चारों तरफ ही आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। इस सीजन में ये पहली बार कोहरा पड़ा है इतना। ये मेरी इस तरीके की डिग्री है, एटलीस्ट आज की। जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे के नज़ारे, एकदम कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। आप देख सकते हैं मेरे मुंह से ही भाप निकल रही है, चारों तरफ ही आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस सीज़न में ये पहली बार कोहरा पड़ा है इतना। अदरवाइज़ बहुत कम कोहरा पड़ रहा था, ये पड़ता ही नहीं था। जनवरी में आ करके करीब आधी जनवरी निकल चुकी है, अब आकर के कोहरा ये पहली बार पड़ा है और एकदम बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, ठंडा ठंडा, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। पहली बार कोहरा पड़ा है ना। और ये आप देख सकते हैं गांव की तरफ भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक भी घर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा गाँव की तरफ। और खेतों की तरफ भी देखिए आप, कुछ भी नहीं, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में खो गए हों आप, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए दिखा दिया जाए। बस थोड़ा स्नोफॉल होने की और देरी है, एकदम मतलब पहाड़ों जैसी फीलिंग आई, जैसे पहाड़ों में घूम रहे हो। वाओ वाओ। तो गाइस, फिलहाल मैं यहाँ पे ले आया हूँ स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, क्योंकि मुझे मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक रील्स बनाई जाए। छत भी सारी गीली हो रही है कोहरे की वजह से, सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, फोकस बनाने में भी दिक्कत हो रही है। मेरा काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, सोचा चलो आज यूज में ले लेते हैं, यूज में लेने का वक्त आ गया गुरु। ये बेसिक इक्विपमेंट्स इसमें लगाने होंगे पहले, ये बहुत दिनों से इससे स्टैंड से मैंने वीडियो बनाई नहीं है। वजह क्या है कि इसके स्टैंड की यूज़ ना होने की वजह ये है कि मेरा कंटेंट मैंने बदल दिया है, व्लॉगिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है नहीं, पहले इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो पहले मैं ऐसा था ना कि मेरा कंटेंट पहले अलग था, फिलहाल मेरा कंटेंट बदल गया है। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया इसका यूज़ तो बहुत कम हो गया है, इसका तो यूज़ करता भी भूलना आ रहा है मुझे, मतलब यही भूल गया कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। इतना टाइम हो गया, आप सोच सकते हैं कितना वक्त हो गया मुझे इसे यूज़ करे बिना। अभी हमारा ये सेटअप हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो पहले रील रिकॉर्ड कर लेता हूँ और अपलोड भी कर देता हूँ। आपको रील्स देखनी है, जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे रील्स इंस्टाग्राम पर पड़ चुकी होगी। रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। A few moments later. Guys, मैं रील्स वगैरह बना चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ, और ये लगा हुआ है स्टैंड, काफ़ी दिनों बाद स्टैंड का यूज़ किया है। मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, मतलब छत से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा मतलब बस यहीं खड़े होकर नज़ारों को इन्जॉय करता रहूँ। वाह, अगर आपके आसपास भी कोहरा आज पड़ा हो, ऐसा मौसम रहा हो, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ किलोमीटर पर जाकर कोहरा नहीं होता, कहीं पे होता है। अगर आपके आसपास कोहरा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, मैं मौसम इंजॉय करता हूँ और आप वीडियो इंजॉय कीजिए। अभी इस स्टैंड को रख देता हूँ मैं, अभी मैं नीचे चलता हूँ क्योंकि छत पे काफ़ी देर हो गई, मुझे ठंड भी लग रही है। अजय मौसम भैया, भैया को देखो, भैया भैया को देखो कैसा कांप रहा है जी भाई, कांप रहा है। लुकालू कालू 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 कालू, हाय हाय क्या मच पेर रही है यार, देखो देखो कैसा बैठा है, आ जा देखिए मौसम, देखो पीछे भाई कोहरा ही कोहरा। तभी मैं फ़िलहाल इसे बांध लेता हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अगर शौक शौक में नहीं बांधा मौसम फील करने के चक्कर में बीमार पड़ जाएंगे। और कुत्ते की हालत देखो, तापले तो तापले। और दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ घर पे, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मैं इसलिए घर पे आ गया। और हाँ दोस्तों, मैं आपको कई दिनों से एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था, वीडियो बनाने वाला था इस चीज़ पर मैं बना नहीं पाया, और हाँ अब वो चीज़ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। वो क्या है मैं आपके लिए बता देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री आई थी और
मैं आपको उसे दिखाना चाहता था, उस पर एक वीडियो बना के आपको बताना चाह रहा था, बट नहीं बता पाया। बट कोई नहीं, अभी बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें कैसे कैसे रख के आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डिग्री है, ये है मेरी डिग्री, ये आप देख सकते हैं। इस पे लग के, इस पे रख के यूँ, और इसके अंदर रखी हुई थी ऐसे। और इसमें ये बताता हूँ हुआ क्या था, जो पोस्टमैन जो लेके आया था, इसे फोल्ड करके लेके आया था। इसका जो कवर है, इस कवर पे लिखा हुआ था, इस पे लिखा है प्लीज़ डू नॉट फोल्ड। उसके बावजूद उसने क्या है कि उसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया, इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया, और दिक्कत हो गई। मैंने उससे कहा भी था, भाई ये इस तरीके से फ़ोल्ड क्यों हो रहा है, कि हम नहीं करके आए, ये तो इस तरीके से ऊपर से ही आया है, और क्या करें, हमें क्या पता कौन लेके आया। लेकिन ये एक फॉल्ट है, यूनिवर्सिटी का समझ लो, चाहे पोस्टमैन का समझ लो। ये मेरी इस तरीके की डिग्री है, एटलीस्ट सातवीं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि मैंने हाल फिलहाल में मेरा कंप्लीट हुआ बीफॉर्म। लास्ट टाइम मैंने व्लॉग बनाया था कॉलेज का, तब मैं प्रोविजनल डिग्री पे साइन कराने के लिए गया था, थानसिंह के साथ में व्लॉग बनाया था मैंने। जब वो व्लॉग जिसने देखा होगा उसको पता ही होगा कि मैं बीफॉर्म कर रहा हूँ, और जो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मेरे कॉलेज के फ़ोटो उन्होंने देख ही रखे होंगे। तो एटलीस्ट डिग्री आ चुकी है। खैर अभी तो डिग्री आई है, इसके बाद भी तो बहुत कुछ करना होता है, बट जो भी है डिग्री को देख करके काफ़ी खुशी हुई। कुछ दिन पहले आई थी ये, मैं इसको बताने वाला था आपके बारे में, चलो अपने व्यूवर्स के लिए दिखाते हैं, बट नहीं बना पाया। जैसे ये डिग्री दोस्तों आई थी मेरे हाथों में, काफ़ी खुशी हुई थी। खुशी होगी भी क्यों नहीं दोस्तों, आखिरकार चार पाँच साल हमारे इसमें चले गए ग्रेजुएशन करने में। बीफॉर्म कर रहा था तो आपको पता ही, बीफॉर्म करीब 4 साल का कोर्स होता है, तो अब तक लगभग डिग्री आते आते करीब करीब हमारे 5 साल करीब जा चुके हैं, करीब 6-7 महीने बाद। एक तो एग्ज़ाम भी लेट हुए थे कोविड की वजह से, फिर उसके 4-5 महीने बाद डिग्री आई, तो करीब करीब 5 साल हमारे इसमें चले गए ग्रेजुएशन में। मैं सोच रहा था दोस्तों कभी एक पर्टिकुलर ऐसा कोई वीडियो बनाऊं जिससे कि मैं आपको 4 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा कॉलेज का वो आपके साथ शेयर करूं, जो भी मेरी मेमोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूं, जो एक्सपीरियंस रहा मेरा पहला दिन कॉलेज का कैसा रहा, वो सारी चीज़ें सोच रहा था। वो कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, कोई पर्टिकुलर एक वीडियो इस पर बनाएंगे किसी दिन। तो गाइस मैं अभी देखिए घर से बाहर आया हुआ था खेत की तरफ घूमने के लिए, यहाँ पे चेतन मिल गया, अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है गाय भैंस लगे पड़े हैं, गाय और वो सांड, वो है ठाकुर साहब। मैंने सुना कि ठाकुर साहब ने कोई मारा था हमारे गाँव का आदमी, और देखिए इसके खेत में लग गए। और चेतन कह रहा है कि हमारा भी इसने काफ़ी नुकसान कर रखा है। कितना नुकसान कर दो भाई तेरे, बिछा दे ये कह रहा सब बिछा दे, एक तरफ तो चौकस लगा दो खेत में, और डंडा वंडा लेके घूम रहा बाकायदा। और ठाकुर साहब को आए गए तो ठाकुर साहब डंडा रुक जाएंगे को, बाबूजी कहनी बच जाई। ये पूरा सा पूरा जो दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक पूरा सब चेतन का ही है, और यहाँ से सब खा रखे हैं गेहूँ, तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, और किसानों का बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। अरे मेन चीज़ तो ये है कि यार इनको सही अरेंजमेंट होना चाहिए, गौशाला में जाएँ कहीं भी जाएँ, मान लो गौशाला वाले भी तो इन्हें फालतू खिला के क्या करेंगे। मेन चीज़ तो ये है, पिछले 15 मिनट से इसमें लगे पड़े हैं, बताओ कितना नुकसान होगा इस किसान का। दोस्तों अभी चेतन पता नहीं कहाँ से साइकिल लेके आया, कौन की साइकिल है भैया? अच्छा इसी की साइकिल है, शायद यहीं पे खड़ी थी। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, उधर की तरफ साइकिल लेके थोड़ा साइकिलिंग करते हैं, चेतन और मैं चलते हैं। चले चेत, चलो उठा, चलो उठा, गिरियो मत, बस इतना ध्यान रखिए गिरियो मत। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अरे गिरियो मत, हिसाब दे हिसाब दे, ऐसे खतरनाक स्टंट मत करा है। आगे जाऊँ मैं, आगे आगे जाऊँ, रुक जा, अब कर स्टंट, अब मत करा, रुक जा, आगे जाके ना कर, कहाँ रहे हो, आ जा, अब दिख रहा, अब कर, उठी ना कर। मैं कैमरा से सही दिखाई देता है, अगले कैमरा सही दिखाई देता, मस्त चल रही है साइकिल, एक मिनट के कंप्लीट करने के चक्कर में। वाह, दोनों ये जुड़ी हुई होती साइकिल, और कोई सी ना गिरती, और आराम से कोई चलाओ, है ना। हाँ एक रखा मारे, एक अब चल रही है, हाँ अब चल रही है, ला तू पकड़ जा, कितने वो पर उठेगी, वो पर उठेगी।
स्टॉप। तो वैसे चेतन और मैं अभी साइकिल करके आए, थोड़ी देर पहले बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी गर्मी सी गर्मी लग रही है। स्टंट करते करते गिरने से बच गया थोड़ी देर पहले, अभी ये मजा आया। कहते फिर लाइक करें नो, मेरे स्टंट के लिए लाइक करें, मेरे स्टंट के लिए लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वाओ गरीब साइंटिस्ट है ना गाइस। अभी मैं खेत पर ही हूँ और अरे देख चेतन आ गया साइड को, देख आएगी भैंस भैंस आएगी। तो अभी मैं खेत पर ही हूँ, थोड़ी देर में मैं घर पर निकलने वाला हूँ। और आज के इस व्लॉग के लिए दोस्तों मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। आई होप कि आपके लिए व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा भी व्लॉग आपके लिए पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड चेतन बाय।